हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या सीखेंगे, क्या खास है, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन किया। अब ये देख रहे हैं कोई भी पार्ट आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और आपको डेटा वैलिडेशन अगर यहाँ पे लगाना है तो आप कोई भी पार्ट सेलेक्ट कीजिए उतना एरिया, और आपको जाना होगा डेटा पर, फिर आपको जाना होगा यहाँ से डेटा वैलिडेशन पर। हम ये नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहते हैं। कैसे शॉर्टकट की से हो जाएगा ये काम, बहुत ही आसानी से आइए आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए इतने पार्ट में हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है, तो पहले आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए अल्ट, छोड़ दीजिए, फिर प्रेस कीजिए डी, फिर प्रेस कीजिए एल। आप देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन वाली विंडो ओपन हो जाती है, और आप यहां से टैब बटन प्रेस करके भी ये जा सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं और डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। आपको क्या प्रेस करना है, अल्ट डी एल। तो जैसे ही प्रेस किया, देखिए फिर ओपन हो गया। आप यहां पर आ जाइए और नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए और यहां से इसे लिस्ट कर दीजिए, और यहां पर फिर टैब बटन प्रेस करते हुए यहां आ जाइए और फिर जो भी नाम है वो आसानी के साथ दे दीजिए। देखेंगे कि यहां पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर लगाया मैंने कॉमा, फिर यहां लिखा राम, फिर लिखा कॉमा श्याम, फिर यहां लिखा राजू। अब जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि शॉर्टकट की के मदद से कैसे हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।